हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। और मैं हूँ छवि। और ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, इसे सदाबहार कहते हैं और बहुत जगह इसे सदा सुहागन के नाम से भी प्रचलित है। और इंग्लिश में इसे प्री रिंकल भी कहते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिसे डायबिटीज़ है वो आपको देखोगे कि इसकी पत्ती फूल को जो है ना वो खाते हैं और इसकी पत्तियाँ को भी खाते हैं, तो उस डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में होता है। अगर आप मतलब डेली अगर आप 4 या 5 इसकी पत्तियाँ को और फूल को अगर आप खाते हो तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। क्योंकि मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी माँ खाती है और मुझे पता है ये बहुत बेनिफिट्स, मतलब आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को तो बहुत हद तक ये ठीक करता है। प्लस ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि ये कैंसर का जो मेडिसिन बनता है उसके भी उसमें भी जो है सो कि इसको यूज़ किया जाता है। और हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन माना गया है। जिसके फेस पे पिंपल्स हैं या पिंपल्स के दाग हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट है। आप चाहे तो इसे 4 या 5 फ्लावर को जो है आप डेली अपने च्यूइंग करके आप खा ले। लेकिन खाने के साथ परेशानी क्या होती है कि ये वोमिटिंग जैसा होता है अगर, क्योंकि इसके इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता और आपको वोमिटिंग हो जाने के चांस रहते हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना इसका मैं DIY कर दूँ और इसका मैं फेस पैक ही बना दूँ जिससे आपकी परेशानी भी खत्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। आपको पहले ही पता चल चुका है कि इसकी क्या खासियत है, तो अब इसको बनाना कैसे है वो देखते हैं। एक ग्राइंडर ले आप और ग्राइंडर में जितनी भी आपकी पत्ती हो, जितने भी आपके पास इसका फ्लावर हो, जितना भी ये सदाबहार जितना भी आपके पास हो, जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है आप बना के रख सकते हैं। ये तकरीबन आप 4 डेज तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ना आपको रॉ मिल्क लेना है ना आपको कर्ड लेना है। आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप दही ले सकते हैं। दही का मलाई हटा करके सिर्फ उसका जो पानी होता है ना वो आपको लेना है, ऊपर का लेयर पूरा मलाई का हटा देना है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप रोज़ वाटर के साथ ही इसको बनाएं। अब आप इसमें अब जितनी रिक्वायरमेंट में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए ना उतना आपको ये ले लेना है। इसको अच्छे से आपको धो लेना है पहले अच्छे से। पता है इसके अंदर छोटी छोटी चींटियां होती हैं। मैं इसे तकरीबन पूरे दिन 4 to 5 hours तक मैं पानी के अंदर रख के, एक बाउल में पानी के अंदर रख के इसको छोड़ दी थी। फिर उसको अच्छे से उसका पानी निकाली, फिर अच्छे से उसको धोई हूँ, फिर उसको नाइट पे मैं छोड़ दी हूँ ऐसे ही सूखने के लिए। जब ये पूरी तरह से अच्छे से सूख चुका है फिर मैं उसको पीस रही हूँ। आप चाहे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सूखने के लिए, नहीं छोड़ना है तो आप मत छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 hours तक इसको पानी के अंदर आप जरूर रखना, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी चींटियाँ होती है जो हमें नहीं दिखता और वो फिर वो ग्राइंड हो जाएगी तो स्किन को वो ख़राब करेगी। तो अब ये मैं ले ली हूँ, अब चलिए इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। ये ग्राइंड हो चुका है। अगर आपके पास सिलबट्टा हो और वो साफ सुथरा हो तो आप उसके अंदर भी इसे पीस सकते हैं, या फिर जो जो अपना जो पीसने का आपके पास घर में आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना आप उसमें इसे पीस सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राइंडर ही यूज़ करें। अब ये ग्राइंड हो चुका है अच्छे से, अब मैं इसे निकाल लूँगी। का स्मेल आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा अलग सा इसका स्मेल आपको लगेगा, थोड़ा डिफरेंट स्मेल लगता है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। और अब इसमें ऐड जो आपको करना है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप 1 स्पून लो या हाफ स्पून लो, जितना आप बना रहे हो जितने में एक प्रॉपर फेस पैक का पेस्ट बन जाए ना उतना आपको लेना है। तो जो मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है नीम पाउडर। तो नीम पाउडर मैं 1/2 स्पून के करीब में ले रही हूं। जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है लिकोराइस पाउडर यानी मुलेठी पाउडर, एसटी मधु भी जिसे कहते हैं। ये भी मैं तकरीबन, ये पता है आप सबको कि एसटी मधु हमारे स्किन के रंगत को तो निखारता ही है, प्लस जो फेस पे जो हमारे पिंपल्स वगैरह के जो दाग वगैरह हो गए हैं उसको भी हटाता है, रंगत के साथ साथ दाग पिंपल्स जो आते रहते हैं उसको भी रोकता है। ये बहुत
बहुत बहुत ही बेहतरीन, ये बोलते हैं ना प्रोडक्ट है ये लिकोराइस पाउडर, ये बहुत बेहतरीन है, तो इसको प्लीज स्किप मत कीजिएगा। एक बार अगर आप मंगा लेते हो ना तो आराम से आपको 5-6 महीने तक ये चलता है, जरूर आप ले लें। जो मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है आंवला पाउडर। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे मैम आंवला पाउडर तो बाल में यूज किया जाता है, ये फेस पे अगर मैं यूज करूंगी तो कहीं काला नहीं हो जाए? नहीं, काला नहीं होगा। आंवला में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी रंगत को निखारने में बहुत बेनिफिशियल, मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, हमारी रंगत को निखारता है। अब प्लस जो हमारे फेस पे जो पिंपल्स के दाग वगैरह हो गए है ना, उसको भी ठीक करता है। लेकिन क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो रातों रात आपको मैजिक नहीं होता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो ना, इफेक्ट जरूर आता है। तो ये भी मैं ले रही हूँ। अब मैं इस सबको क्या करूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये बन चुका है, अब बस इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। लगेंगे और जब ये सूख जाता है उसके बाद मैं आपको अपना फेस दिखलाती हूँ वॉश करने के बाद। ये मेल फीमेल सबके लिए है, सब एज ग्रुप के लिए है। मीन्स जिनके फेस पे पिंपल्स आते हैं और जिसके फेस के ऊपर पिंपल्स के दाग रह गए हैं, उन सबके लिए है ये। प्लीज इसे जरूर ट्राई करना और बिल मिलते हैं फिर 20 मिनट्स के बाद। बाय बाय। मुझे लगता है ये मेरा सबसे बेस्ट DIY है। ये बहुत आप मतलब लग रहा है ना जैसे कि फेस पे कोई आप आइस क्यूब रब करते हो ना, तो जैसा ठंडापन लगता है ना, वैसे जब ये इस फेस को पैक को आप जब लगाते हो और जब आप वॉश करते हो ना, उस समय आपको सेम फीलिंग आती है, लगता है जैसे कि आप कोई आइस क्यूब अपने फेस पे रब कर रहे हो। इतना ठंडा, जब आप इसे लगाती है ना तो भी आपके फेस पे जो है ना लगता है कि कुछ ठंडा सा है ना कुछ आपने लगा रखा है। ये बहुत बेहतरीन है, आप मेरे फेस पे अभी दिख रहा होगा इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो अगर आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है मेरे वीडियो को, तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये वीडियो अपने अपने जितने आपके फैमिली फ्रेंड है, रिलेटिव है, यूट्यूब बोल रही हूँ, जितने आपके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, आप सब पे शेयर कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको ये पैक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बाय बाय।